Ja, das ist ja. Ja. बताइए. हाँ, आपके नाम? आपके नाम, क्योंकि पोस्टर में आप हैं, हर जगह आपके चर्चे हैं, तो आप बताइए कि आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप कैलेंडर पर भी आपने हमने देखा काफी डिफरेंट पोज है, काफी डिफरेंट अंदाज है आपका, कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये वाला बिजनेस वाला पोज है, ये वाला बिजनेस वाला चेयर है जो अकेडमी जो कंपनी मैं चलाता हूँ. यू नो ऐसे 12 हस्तियों को गोल्स जिम ने इकट्ठा किया है और जो फिटनेस से जुड़े हुए हैं, जो अपने फिटनेस को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, लेकिन ये ऐसे बहुत ही मतलब मुख्तलिफ इनो लोग हैं जो अपने करियर में, अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया है या उन्होंने बहुत ऐसी तब्दीलियाँ लाई हैं जो उनके लिए और जो लोग उनके साथ हैं या जो जो भी इंडस्ट्री में वो हैं उन वहाँ पर उन्होंने अपना यू नो एक कहीं ना कहीं एक निशान बनाया है. तो बस मुझे अप्रोच किया गया है और मैंने उनका जिम भी गोल्ड जिम का एंथम जो था 15 साल का वो भी हाल ही में यू नो नवंबर में यू नो लॉन्च किया था जब पे उस वहाँ पर मैं फीचर हुआ था. तो इट वॉज़ अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन फॉर मी. मेरे लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है. मैं गोल्ड जिम के साथ बहुत मतलब ऑलमोस्ट 12 साल से जुड़ा हूँ. आई बीन अ मेंबर देयर. पहले मैं रेगुलर नहीं था, बस ऐसे ही यू नो जैसे एवरीबॉडी डज नो, खाली हम लोग पे करते हैं लेकिन कोई जाता नहीं है. फिर थोड़ा मुझे लगा कि मुझे सीरियस होना चाहिए और आई बिकेम वेरी सीरियस अबाउट फिटनेस. मुझे लगा कि ये मेरे इंडस्ट्री से नहीं, ये मेरे अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने मन को कितने तरह से पॉजिटिव रखूँ. तो इस वजह से मैंने फिटनेस पर ज़्यादा जोर दिया. आई फेल्ट गुड अंदर से, एक यू नो एक फीलिंग आई कि या यू नो आई एम फीलिंग गुड, आई एम थिंकिंग बेटर. और मुझे अभी यू नो मेरा जो फोकस है, जो लगन है, जो काम की तरफ, वो और बढ़ने लगा. सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई लाइक्ड. टैक्स फ्री? नो, आई डोंट थिंक दैट्स राइट, बिकॉज यू नो वी नॉट अ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम यू नो हम अपने लिए कर रहे हैं ना. सो यस, इट कैन बी रिड्यूस टैक्सेस, मोर बेनिफिट्स, बट टैक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम. एक्चुअली प्लेइंग टैक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम. टैक्स भरने के बाद क्या इंडिया उस यू नो विल इट हेल्प इंडिया टू काइंड ऑफ रियली रीच द वे इट सपोज टू बी? क्या हमारा जो पैसा है जो हम दे रहे हैं टैक्स की वजह से उन लोगों तक पहुँचेगा जिनको ज़रूरत है? क्या सड़कें अच्छी होंगी? क्या पुलिस की जो नौकरी है जो करते हैं उनको अच्छी आमदनी मिलेगी? यू नो ऑल द पब्लिक सर्वेंट्स, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, क्या उनको अच्छे पगार मिलेंगे? क्या उनको अच्छे पॉक्स मिलेंगे? यू नो क्या जो आम आदमी है, क्या इनकी लाइफ चेंज होगी? हम जैसे लोग जो यू नो अभी कमा रहे हैं, अभी एक अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है एंड वी आर पेइंग हाई टैक्सेस. आई डोंट थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम पेइंग टैक्सेस. जब मेरे अकाउंटेंट बोलता है कि टैक्स भरना है, सर भर लो. माय क्वेश्चन इज कि आई होप द गवर्नमेंट एंड जो हमारे पैसा लेते हैं वो उसको अच्छी तरह से यूज़ हो जाए ना. अगर वो अगर विश्वास आ जाए कि हाँ मेरी जो गवर्नमेंट है, मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो कंट्री है, मेरा जो पैसा लेती है टैक्स का, लेने दो. अगर 30% है, 40% है, 50% भी है, अभी ब्रिटेन में 50% लेते हैं, लेकिन अगर सुविधाएं अच्छी हो, बच्चों को, सभी गरीब बच्चों को अगर यू नो शिक्षा मिले, अगर वो सब ध्यान और स्ट्रिक्ट रहें, रूल्स पाबंदियाँ, यू नो गर्ल्स को एजुकेशन मिले, ये सब अगर अच्छा हो जाए और यू नो सब समाज का एक अगर मतलब अच्छा हो जाए, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद पेइंग टैक्सेस. वाकई जब हम छोटे थे तो गोल्ड जिम काफ़ी बड़ा था, अभी बड़ा है और उसने 15 ईयर कंप्लीट किए हैं, तो वाकई अपने आप में बड़ी बात है. और ये अच्छी बात है कि ये मेरा प्लेजर है कि मैं इनका एक पार्ट हूँ. और जो इनका कैलेंडर लॉन्च हो रहा है वो ओपनिंग मेरे से ही हो रही है, क्योंकि जैन का महीना मेरे से ही है. तो वाकई मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मेरी लाइफ का मोटो भी यही रहा है कि जितने बच्चों को, जितने सबको इंस्पायर कर सकें, मोटिवेट कर सकें, वही है. तो गोल्ड जिम का भी यही है कि वर्कआउट रहो. सबसे देखो, सबसे बड़ा जो हमारा खजाना है सब कुछ हमारा शरीर है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वही है. तो इन्वेस्ट करो और फिर आप बिजनेस है, बाकी और चीज़ें हैं, पैसा है, ये सब आनी जानी चीज़ें, पता नहीं कब आएँ कब जाएंगे. तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव का मैं पार्ट हूँ तो मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि जस्ट मैंने अभी 23 केजी लॉस किया. कुछ खास वजह थी, मैंने गोल रखा था अपना टारगेट उसके लिए किया है और फिर मैं एक बड़े से आदमी की बायोग्राफी करने जा रहा हूँ. उन्होंने ओलंपिक में इंडिया के लिए पहला मेडल जीता था, मिस्टर KD जादव साहब, और वो रेसलर थे. तो कितना कुछ चल रहा है, कितनी कैसी चल रही तैयारी?
तैयारियाँ वाकई ज़बरदस्त चल रही है। मैं तकरीबन शेप में आ गया हूँ, 5 kg बाकी है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो मेरे लिए आइडल थे। मैंने उनको देख के रेसलिंग करना स्टार्ट किया था, तो ही वॉज द बेस्ट पर्सन और इसको बना भी काफ़ी बड़े आदमी रहे हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट पोज है आपका, तो आप बताइए कि, और ये बहुत अच्छी लाइन, नेवर से नेवर बहुत अच्छी लाइन है, तो आप बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिट रहना तो 4 चीज़ें करो आप सब, खाना भूख से थोड़ा कम खाओ, पानी डबल कर दो, वॉक ट्रिपल यानी वर्कआउट ट्रिपल कर दो और हंसना 4 गुना कर दो, आदमी फिट हो गया यार कहीं भी।